Hello students, once again welcome to Enjoy Chemistry with Yash Private Limited. We are studying chemical thermodynamics और उसका एक बहुत ही important point हम आज ले रहे हैं, that is heat capacity. एक बहुत ही important point है, whether it is JEE or NEET or simply CBSE examination, बार बार ये as a theory भी पूछा जाता है, MCQ भी उसमें से सीधे question में आ जाते हैं, कभी unit के बारे में आ जाता है, कभी formula के बारे में आ जाता है, कभी application के बारे में आ जाता है, और उसके ऊपर हम questions भी solve करेंगे. आज इस video में हम सिर्फ उसकी theory को लेंगे. Next video में आपके लिए बनाऊंगा, और वो video होगा उसके questions के base पर और उसकी applications के base पर. तो चलो शुरू करते हैं heat capacity. हीट कैपेसिटी माने किसी भी सब्सटेंस को अगर हम थर्मल एनर्जी देंगे तो डेफिनेटली उसका टेम्परेचर बढ़ेगा. ये थर्मल एनर्जी हम उसको कांस्टेंट प्रेशर पर भी दे सकते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पर भी दे सकते हैं. तो अगर हम थर्मल एनर्जी देने लग जाए तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा. कितनी थर्मल एनर्जी देने पर उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो रहा है, या तो हम अगर अंदर से थर्मल एनर्जी रिमूव करना चालू कर दें तो उसका टेम्परेचर ड्रॉप होने लगेगा. तो कितनी थर्मल एनर्जी रिमूव करने पर उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो जा रहा है, उसको हम उस सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी कहते हैं. नाउ ये हीट कैपेसिटी सब्सटेंस के लिए क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसको हम उसकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे, और ये स्टेट फंक्शन नहीं होता है. तो लेट्स सी, शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप. The function required to explain the heat absorbed or evolved when the temperature of the substance changes at constant pressure or constant volume is heat capacity. Heat capacity is not a state function. The quantity of heat required for increase in temperature by 1 degree Celsius of any substance is called heat capacity, denoted with C of that substance. यही डेफिनेशन हम डिक्रीज के फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर आपको किसी सब्सटेंस के अंदर से थर्मल एनर्जी निकालकर उसका टेम्परेचर ड्रॉप करना है, सो द थर्मल एनर्जी यू नीड टू रिमूव फ्रॉम दैट सब्सटेंस टू ड्रॉप इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, उसको भी आप हीट कैपेसिटी कह सकते हैं. इफ द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज इंक्रीज बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, the heat capacity is expressed as Cv, V stands for constant volume. And if the temperature of the substance is increased by 1 degree Celsius at constant pressure, the heat capacity can be expressed as Cp. Yahan P stands for constant pressure. There is no much difference in heat capacities of Cp and Cv values for liquid and solid substances. क्योंकि हमें पता है कि प्रेशर के एप्लीकेशन पर उनके वॉल्यूम में नेग्लिजिबल चेंज होता है, तो फिर सीपी और सीवी के वैल्यू सॉलिड और लिक्विड के लिए ऑलमोस्ट सेम हो जाएगी. लेकिन अप्लाइंग कांस्टेंट प्रेशर ओवर गैसियस सिस्टम देयर इज अ रिमार्केबल चेंज और सिग्निफिकेंट चेंज इन द वॉल्यूम, सो वी कैन से दैट गैसियस स्टेट के लिए या तो गैसियस सब्सटेंस के लिए दिस डिफरेंस इज ऑब्जर्व टू अ ग्रेटर एक्सटेंट. When the initial temperature T1 of a sample of gaseous substance is changed to temperature T2, then the relation between heat Q, heat capacity C, and difference in temperature, that is T2 minus T1, is shown by the following equation. यहाँ एक चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि difference in temperature अगर आप degree Celsius में लेंगे या केल्विन में लेंगे तो सेम ही रहेगा. तो इन दिस केस डिफरेंस इन टेम्परेचर कैन बी इन डिग्री सेल्सियस, इट इज अलाउड इन केल्विन आल्सो. नाउ हीट कैपेसिटी इज व्हाट गिवन एज अ फॉर्मूला, हीट चेंज डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन टेम्परेचर. हीट चेंज का मतलब यहाँ करेंगे इन हीट गिवन तो नीचे आएगा इंक्रीज इन टेम्परेचर, हीट रिलीज्ड तो नीचे आएगा डिक्रीज इन टेम्परेचर. फॉर्मूला के फॉर्म में C इक्वल्स टू Q अपॉन T2 माइनस T1. सो T2 माइनस T1 को हम डेल्टा T लिख सकते हैं, तो C इक्वल्स टू Q डेल्टा T, Q अपॉन डेल्टा T.
So Q equals to what? C into delta T, or for delta T you can write T2 minus T1. Okay. The unit of heat capacity is joule Kelvin inverse. अगर आप कैलरी में एनर्जी मेजर कर रहे हैं तो कैलरी केल्विन इनवर्स, और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इंस्टेड ऑफ केल्विन इनवर्स इफ़ यू वांट टू राइट डिग्री सेल्सियस इनवर्स देन आल्सो द यूनिट इज करेक्ट, बट इफ़ यू आर फॉलोइंग एसआई सिस्टम देन द करेक्ट यूनिट इज जूल केल्विन इनवर्स. द हीट कैपेसिटी इज प्रपोर्शनल टू द क्वान्टिटी ऑफ द सब्सटेंस and so it is an extensive property. Hence, sometimes two more quantities are added like specific heat capacity and molar heat capacity that is also used in chemistry and physics frequently. अब इसको समझना बहुत ज़रूरी है. मान लो कि मेरे पास 10 लीटर पानी है और दूसरा मेरे पास 1 लीटर पानी है. दोनों का टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो दोनों को मैं थर्मल एनर्जी देना चालू करूँगा. तो ऑब्वियसली एज कम्पेयर टू 1 लीटर वाटर, 10 लीटर वाटर को मुझे ज़्यादा थर्मल एनर्जी देनी पड़ेगी. तो हीट कैपेसिटी की वैल्यू 1 लीटर पानी के लिए और 10 लीटर पानी के लिए क्या आ जाएगी? डिफरेंट आ जाएगी. तो हीट कैपेसिटी इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. तो उसको हम पर ग्राम और पर मोल से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं. तो अगर हम पर ग्राम से डिफाइन करेंगे तो उसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहेंगे, और पर मोल से डिफाइन करेंगे तो उसको हम मोलर हीट कैपेसिटी कहेंगे. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. अब देखिए कि इस डेफिनेशन में सिर्फ 1 ग्राम सब्सटेंस ऐड हो गया है, ठीक है. अदरवाइज द डेफिनेशन इज द सेम एज दैट ऑफ हीट कैपेसिटी. अब फार्मूला देखिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल्स टू हीट चेंज डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन टेम्परेचर इनटू वेट ऑफ सब्सटेंस ऑब्वियसली इन ग्राम. द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज जूल केल्विन इनवर्स ग्राम इनवर्स. नाउ हम देखेंगे मोलर हीट कैपेसिटी. द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ 1 मोल सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी. यहां पर सिर्फ 1 मोल वर्ड ऐड हो गया है. नाउ विल सी द फॉर्मूला. मोलर हीट कैपेसिटी डिनोटेड एज अ CM. फॉर्मूला है हीट चेंज डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन टेम्परेचर इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस. नंबर ऑफ मोल्स के बदले अगर आप W अपॉन M लिख दे तो नीचे आ जाएगा वेट, और हीट चेंज के साथ आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट. तो आप एक नई फॉर्मूला लिख सकते हैं, हीट चेंज इनटू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय difference in temperature into weight of substance in gram. So molar heat capacity is nothing but specific heat capacity multiplied by molecular weight of the substance. The unit of molar heat capacity is joule Kelvin inverse mole inverse. Now relationship between Cp and Cv, especially for gaseous state, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि सॉलिड और लिक्विड स्टेट के लिए सीपी और सीवी के वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होती है. द हीट कैपेसिटी फॉर द टेम्परेचर चेंज एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज गिवन एज सीपी, डेट इज क्यूपी अपॉन डेल्टा टी. नाउ क्यूपी इक्वल्स टू सीपी इनटू डेल्टा टी विच इज नथिंग बट एंथैल्पी चेंज. क्यों? क्योंकि हीट अब्सॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड डेल्टा एच. द हीट कैपेसिटी फॉर द टेम्परेचर चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज गिवन एज सीवी इक्वल्स टू क्यूवी अपॉन डेल्टा टी विच कैन बी रिटन एज क्यूवी इक्वल्स टू सीवी इनटू डेल्टा टी विच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू, दैट इज इंटरनल एनर्जी चेंज. क्योंकि हम जानते हैं हीट अब्सॉर्ब और इवॉल्व ड्यूरिंग द प्रोसेस विच इज कैरिड आउट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी चेंज.
If the volume of the system is kept constant and the heat is added to a system, then no work is done. Why? Because delta V is zero. Okay? Then no work is done by the system. Thus, the heat absorbed by the system is used up completely to increase the internal energy of the system. If the pressure of the system is kept constant and heat is supplied to the system, then some work of expansion is also done by the system in addition to the increase in internal energy. तो पहला पॉइंट है जिसको हम CV कहेंगे, दूसरा पॉइंट है जिसको हम CP कहेंगे. Thus, if at constant pressure the temperature of the system is to be raised through the same value as at constant volume, then some extra heat is required. Why? Because some work is also done if the pressure is kept constant and heat is supplied. So we can say that the value of Cp is always larger than value of Cv. For 1 mole of an ideal gas, according to ideal gas equation, actually ideal gas equation is Pv equals to nRT. जहाँ पर हम n की value 1 ले ले, तो Pv equals to RT हो जाएगा. At constant pressure, when temperature of gas changes, its volume also changes. क्योंकि pressure constant है, temperature बदलेंगे, तो definitely volume में change आएगा. Let's see how it goes. P delta V equals to R delta T. क्योंकि टेम्परेचर में चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम में डेफिनेटली चेंज हो जाएगा. नाउ डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी. नाउ इंस्टेड ऑफ दिस पी डेल्टा वी वी कैन पुट आर डेल्टा टी एज पर द अबव इक्वेशन. सो फॉर्मूला हो जाएगी डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस आर डेल्टा टी. डेल्टा एच इक्वल्स टू सी पी इंटू डेल्टा टी एंड डेल्टा यू इक्वल्स टू सी वी इंटू डेल्टा टी. That just now we have derived. So we can put that into equation delta H equals to delta U plus R delta T. So delta H ke badle hum rakhenge Cp into delta T, delta U ke badle Cv into delta T plus R delta T. Puri formula mein se delta T ko divide karke remove kar le, to formula ban jayegi Cp equals to Cv plus R. और वी कैन राइट Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R. सो किसी भी गैस के लिए डिफरेंस ऑफ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम हमेशा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू के बराबर होती है. ये आप हमेशा याद रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है. एंड फॉर n मोल ऑफ गैस यू कैन राइट के Cp माइनस Cv इक्वल्स टू nR. Now the ratio of Cp and Cv will be constant and expressed as gamma. It is also called adiabatic constant. So Cp upon Cv is gamma. ये gamma की value क्या होती है, ये बहुत ही important है जिसके ऊपर JEE questions बना लेती है. The value of gamma depends on the type of gas, or we can say degree of freedom for the gas. हमें पता है कि अगर गैस के मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी है तो ये काइनेटिक एनर्जी थ्री फॉर्म में होती है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल. F1 इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्रांसलेशनल मोशन, F2 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर रोटेशनल मोशन, F3 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर वाइब्रेशनल मोशन. At low temperature, degree of freedom for vibrational motion has very negligible value, so can be neglected. But it will have significant value if the temperature is very high. Generally, हम deal करेंगे low temperature पर, तो हमेशा के लिए हम degree of freedom for vibrational motion को neglect करके आगे बढ़ेंगे. अगर कहीं क्वेश्चन में दे दिया है कि इट इज वेरी हाई टेम्परेचर, देन ओनली वी विल इंक्लूड डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर वाइब्रेशनल मोशन. अदरवाइज हम सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन ही कंसिडर करेंगे. एट लो टेम्परेचर वी कैन से टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू.
And at high temperature, total degree of freedom F equals to F1 plus F2 plus F3. जैसा कि मैंने अभी कहा कि generally हम consideration करेंगे कि we are dealing at low temperature, तो हमारे लिए सिर्फ दो ही component रहेंगे F1 and F2. अब हम देखेंगे कि different different gases के लिए ये F1, F2, F3 के values क्या होती हैं. अब हम different different gases के लिए F1, F2, F3 की value discuss करेंगे. यहाँ पर आप देखें कि ये है type of gases, ये है examples. F1 माने degree of freedom for translational motion, F2 degree of freedom for rotational motion, F3 degree of freedom for vibrational motion, जिसको हम low temperature पर consider नहीं करेंगे. F माने total degree of freedom, जो low temperature पर होगी तो F3 neglected है, high temperature पर होगा तो वो accepted है, हम include कर लेंगे. For monoatomic gases माने inert gases like helium, neon, F1 की value 3, F2 की value 0, F3 की value 0, lower temperature as well as high temperature दोनों पर total degree of freedom हो जाएगी 3. Diatomic gases like O2, H2, N2, F1 की value 3, F2 की value 2 and F3 की value 1. कुल मिलाकर low temperature पर ये 3 plus 2, 5 और high temperature पर if we include these, it will be 3 plus 2 plus 1 equals to 6. Polyatomic linear gases like carbon dioxide जो linear होता है, उसके लिए F1 की value 3, F2 की value 2 और F3 की value 3n minus 5, जहां पर n ये number of atoms present in the molecule है. मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए रखना है तो n की वैल्यू 3 आएगी. अब देखिए कि लो टेंपरेचर पर वो वैल्यू हो जाती है 3 plus 2 और हाई टेंपरेचर पर 3 plus 2 plus 3n minus 5 तो कुल मिलाकर हो जाएगी वो 3n. अगर हमारा मॉलिक्यूल पॉलीएटॉमिक है, नॉन लीनियर है, यहां दोनों जगह पर पॉलीएटॉमिक का मतलब होता है द नंबर ऑफ एटम्स आर मोर देन 2. अगर ओजोन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, तो हमें पता है कि वो बेंट मॉलिक्यूल है. अमोनिया है, वो पिरामिडल शेप का होता है. अब इसको देखें कि इसमें F1 की वैल्यू 3, F2 की वैल्यू 3 और F3 की वैल्यू 3n minus 6. वंस अगेन n इज टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द गिवन मॉलिक्यूल. तो अगर हम लो टेंपरेचर की बात करें तो यहां पर 3 plus 3 equals to 6 और हाई टेंपरेचर की बात करें तो ये 3 plus 3 plus 3n minus 6 यानी 3n हो जाएगा. लेकिन ज्यादातर हम जब डिस्कस करेंगे तो लो टेंपरेचर का ही डिस्कशन करेंगे. लेट्स सी Cv की वैल्यू टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम की हाफ वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R होती है. जैसे कि यहां लिखा है कि इट इज F / 2, जहां पर F क्या है, F इज द टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है. ठीक है, चल हमें पता है कि Cp - Cv equals to R है, दैट इज Cp equals to Cv plus R है. तो इसमें हम Cv की वैल्यूज रखें तो इट इज Cp equals to F / 2 R plus R, R कॉमन निकल जाए तो F / 2 plus 1 R. अब यहां Cp upon Cv equals to गामा और गामा equals to Cp upon Cv, तो यहां पर Cp की वैल्यू हम ये रखेंगे F by 2 plus 1 R और Cv की वैल्यू रखेंगे हम this F by 2 R. तो हो जाएगा F by 2 plus 1 R upon F by 2 R और ये R R अगर हम कैंसिल कर ले और सिंपलीफाई कर ले तो गामा की वैल्यू हो जाएगी F plus 2 upon F, जहां पर F क्या है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है. मैं एक बार फिर से बोलूं कि हम लो टेंपरेचर पर कंसीडर करेंगे जहां पर वाइब्रेशनल degree of freedom हम consider नहीं करते हैं. At low temperature, for monoatomic gases like inert gases, helium, neon, हमने जैसे table में already देख लिया है कि F की value 3 होती है, तो gamma की formula F plus 2 upon F में values रखेंगे, तो simplify होकर gamma का answer बन जाएगा 1.67. Further, for diatomic gases like O2, H2 and polyatomic linear gases like carbon dioxide, in short linear gases. क्यों? क्योंकि diatomic gases हमेशा linear ही होते हैं. जैसे O2, H2, F2, N2 लेंगे तो ये diatomic gases है, हमेशा linear होंगे. और ये polyatomic gases carbon dioxide के लिए applied है तो वो भी linear gas है. तो F की value क्या है? Total value 5 है.
लो टेम्परेचर पर, ठीक है। तो गामा की फॉर्मूला एफ प्लस टू अपॉन एफ में ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो सिंप्लीफाई होकर आंसर बन जाएगा 1.4। एंड फॉर पॉली एटोमिक नॉन लीनियर गैसेज जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, ये बैंड मॉलिक्यूल है, अमोनिया पिरामिडल मॉलिक्यूल है, जिनके लिए एफ की वैल्यू 6 है लो टेम्परेचर पर, तो गामा इक्वल्स टू एफ प्लस टू अपन एफ में फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे तो सिंप्लीफाई होकर आंसर बन जाएगा 1.33। तो याद रखेंगे कि इनर्ट गैसेज हीलियम नियोन आर्गन के लिए गामा की वैल्यू 1.61 है, फॉर डायटोमिक गैसेज और पॉली एटोमिक गैसेज लीनियर हो अगर कार्बन डाइऑक्साइड तो उसके लिए गामा की वैल्यू 1.4 है, और पॉली एटोमिक नॉन लीनियर गैसेज के लिए गामा की वैल्यू 1.33। ठीक है, तो ये वैल्यू याद रखेंगे जो सीधी ही कभी भी एमसीक्यू में पूछी जा सकती है और इसके बेस्ड कभी JEE और नीट में अप्लाइड टाइप के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। हम हमारा नेक्स्ट वीडियो में हीट कैपेसिटी के बेस्ड कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पहले हम कुछ बेसिक से क्वेश्चंस करेंगे, फिर उससे थोड़े आगे एडवांस से क्वेश्चंस करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबा दें कि ताकि आगे मैं अच्छे अच्छे वीडियो आपको पोस्ट करूं तो आपको सीधी उसकी जानकारी मिलती रहे। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, एंजॉय केमिस्ट्री।